हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल स्नैपर। 2021 के सबसे पहले एक्सपीडिशन पे हम जा रहे हैं बोधगया, द सिटी ऑफ एनलाइटमेंट, द सिटी विच इज आल्सो नोन एज बर्थप्लेस ऑफ द बुद्धिज्म। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ। ये झारखंड बिहार के बॉर्डर से कुछ दूरी पे एक बहुत ही फेमस नदी है, फल्गु नदी। फल्गु नदी के किनारे एक बहुत ही एंशियंट शहर है, बहुत ही पुराना शहर है गया। उसके आउटस्कर्ट में सिचुएटेड है बोधगया। गया से बोधगया की दूरी है कुछ 10 से 12 किलोमीटर। बोधगया रोड से, रेल से और फ्लाइट से वेल कनेक्टेड है। बोधगया तक मेजर रूट से बसें अवेलेबल है। बिहार की कैपिटल सिटी पटना से बोधगया की दूरी है 112 किलोमीटर। झारखंड की कैपिटल सिटी रांची से की दूरी है लगभग 220 किलोमीटर। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी कोलकाता से बोधगया की दूरी है कुल 475 किलोमीटर। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन गया में है, जहां से महाबोधि टेंपल कॉम्प्लेक्स, वो कुछ 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और गया पूरे इंडिया से रेल रूट से वेल कनेक्टेड है। बोधगया इंटरनेशनल फ्लाइट्स अवेलेबल है, वहां से मेन टेंपल कॉम्प्लेक्स की दूरी है कुछ 10 से 12 किलोमीटर। बोधगया थ्रू आउट द ईयर एक्सेसिबल है। ठंड के दिनों में ठंड कुछ ज़्यादा पड़ती है तो आपको वूलेंस चाहिए होंगे। आपको बहुत अच्छा हाईवे मिलता है, कहीं कहीं रिपेयर वर्क की वजह से हाईवे थोड़ा ख़राब है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये स्मूथली कनेक्टेड है। बोधगया का जो सेंटर है, जो हार्ट है, वो है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है 2002 से। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर चीज़ें लॉर्ड बुद्धा का जो एनलाइटमेंट है उससे जुड़ी हुई चीज़ें। मंदिर में जाने से पहले कुछ नोट्स, क्योंकि यहाँ पे 2013 में इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, जिसमें कुछ 4-5 लोग इंजर्ड हो गए थे। तब से सिक्योरिटी पूरी टाइट है। आपको 2-3 स्कैनिंग से होकर जाना पड़ता है और फोन अलाउड नहीं है, आप कुछ भी वैसी चीजें नहीं ले जा सकते। लेकिन हाँ, इन सारी चीजों को डिपॉजिट करने के लिए आपको फ्री में लॉकर्स अवेलेबल है। इवन आप अपने फोन, वैल्यूएबल सारी चीजें लॉकर्स में रख सकते हैं। शूज आप स्पेशल प्लेसेस बने हुए हैं, आप वहां पर रख सकते हैं। मंदिर में कैमरा आप ले जा सकते हैं फीस देकर। जैसे ही आप टेंपल कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, आप सबसे पहले देखते हैं मेन टेंपल। इस टेंपल के बारे में कहा जाता है कि ये टेंपल द ग्रेट एम्परर अशोका ने एस्टैब्लिश किया था, और बाद में 5वीं से 12वीं शताब्दी तक ये रिनोवेट होता रहा। जो मंदिर की ऊंचाई है वो 170 फीट है, और इसके टॉप में मंदिर का जो चक्र है वो सोने से बनाया गया है। थाईलैंड के डेवोटीज और वहां के किंग ने 2013 में ये मंदिर को दिया था, और तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में इसे वहां पर लगाया गया है। मंदिर एक पिरामिड शेप का है। ये मंदिर ब्रिक से बना हुआ है, ये बाकी मंदिरों से अलग है क्योंकि ज्यादातर मंदिर पत्थरों से बने होते हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर जो बुद्धा की मूर्ति है उसको वज्रासना भी कहा जाता है, और ये भी बोला जाता है कि अर्थ का नेवल इस पॉइंट पे है जहाँ पे ये लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति रखी हुई है, इसलिए सारे बुद्धा को एनलाइटमेंट इसी जगह से मिली है। पूरा जो टेंपल प्रेमिसेस है वो 4.8 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो लगभग 12 एकड़ के आसपास है। मेन टेंपल के अलावा इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। तो मंदिर से बाहर निकलने के बाद आप जैसे ही राइट टर्न लेते हैं और दाईं तरफ से घूमना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मंदिर के पीछे साइड में आपको मिलता है बोधि वृक्ष। ये बोधि ट्री भी बोलते हैं, ये पीपल का पेड़ है, और कहा जाता है कि भगवान बुद्धा ने अपना पहला सप्ताह मेडिटेशन का इस पीपल के नीचे बिताया था। जो अभी बोधि वृक्ष है, ये ओरिजिनल जो बोधि वृक्ष था उसी का डिसेंडेंट है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये 5th जनरेशन है और इसकी करेंट एज 140 ईयर्स है। भगवान बुद्ध ने 7 सप्ताह तक मेडिटेशन किया था, और वो 7 जगह अभी मार्क किए हुए हैं, उसमें से पहला ये बोधि वृक्ष था। दूसरा वीक उन्होंने एक टक बिना पलक झपकाए बोधि वृक्ष को देखते हुए मेडिटेशन किया था। उस प्लेस पे एक मंदिर बना हुआ है जहाँ से भगवान बुद्ध की आंखें सीधा बोधि वृक्ष पर पड़ती हैं। उस जगह पे अभी भी एक मंदिर बना हुआ है जिसे अनिमेशलोचना चैत्य कहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना 3rd सप्ताह वॉकिंग पोस्चर में मेडिटेशन किया था, और ये कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध के पैर पड़े वहाँ पर कमल के फूल खिल गए थे। उन्ही जगहों पे लोकेट करके उनकी चरण पादुकाएं बनाई हुई
हैं। भगवान बुद्ध ने चौथा सप्ताह रत्नगर में गुजारा था, जिसे ज्वेल हाउस भी कहते हैं। और ऐसा बताया जाता है जब वो इस प्लेस पे मेडिटेशन कर रहे थे तो उनकी बॉडी से 6 कलर की रेज निकली थी, जो 6 कलर को आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटेशन है, जो फायर, एयर, वाटर, सोइल, इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। भगवान बुद्ध ने पांचवा सप्ताह अपने मेडिटेशन का अजपला निग्रोध वृक्ष के नीचे गुजारा था। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को दीक्षा भी दी थी। अब वो पेड़ तो नहीं है, लेकिन उस पेड़ की जगह पे एक पिलर भी खड़ा किया है। भगवान बुद्ध ने अपना छठा सप्ताह मुचलिंदा सरोवर में गुजारा था। और ऐसा बोला जाता है कि जब वो छठे सप्ताह में मेडिटेशन कर रहे थे तो वेदर बहुत ही हार्श हो गया था। मुचलिंदा ने खुद आकर भगवान बुद्ध को बचाया था उस हार्श वेदर से, इसलिए उस सेम पोस्चर का स्टैचू आज जो भगवान को प्रोटेक्ट कर रहे थे उस तरह का उस सरोवर में, जिसे लोटस पॉन्ड भी बोलते हैं, मैं आज भी आपको देखने के लिए मिलेगा। भगवान बुद्ध ने अपना सातवां सप्ताह मेडिटेशन का राजयत्न ट्री के नीचे बिताया था। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय के बर्मा से आए दो मर्चेंट को उन्होंने यहाँ पे दीक्षा दी थी। तो ये 7 प्लेसेस हैं। इसके अलावा भी मंदिर प्रांगण में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया लोटस पॉन्ड है, लैंप हाउस है जहाँ पे आप घी के दिए या कैंडल जला सकते हैं। बुद्धिज्म में एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि ये प्रेयर व्हील घुमाते हैं जो इसके फेंसिंग में लगाई हुई है। और मंदिर प्रेमिसेस में ही एक मेडिटेशन पार्क है जहाँ पे आप 10 या 20 रुपए का नॉमिनल फी दे के अंदर पे जाके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अंदर एक जाइंट बेल है, मेडिटेशन पार्क के बाहर भी जस्ट मंदिर के सामने भी जाइंट बेल है। पूरा मंदिर प्रेमिसेस, पीपल के पेड़, पुराने स्ट्रक्चर, एक बहुत अच्छा लोटस पॉन्ड जिसमें मछलियां भी हैं, अगर आप चाहें तो मछलियों को दाना दे सकते हैं, लेकिन आपको मंदिर अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं और लोग ऐसा मानते हैं कि पुराने जमाने में जब उनके विशेष पूरे हो जाते थे तो वो आकर यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा करते थे। तो ये डिफरेंट समय में बने हुए ये सारे स्ट्रक्चर इस चीज का प्रतीक है। मंदिर प्रेमिसेस पूरा साफ सुथरा है और अंदर आके आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप सही में भगवान के करीब हैं, शांति। और अगर आप रात को आएंगे तब तो ये नेक्स्ट लेवल पे होता है। ये जरूरी नहीं कि आप आंखें बंद करके और वो मेडिटेशन करें, अगर आप चुपचाप बैठ भी जाते हैं, चैंटिंग हो रही है, आपको मेडिटेशन जैसा फील होता है, जो मैंने फील किया है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी है पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स में। आपको ये जरूर फील होगा जब भी आप आएंगे। मैं थोड़ी सी एक्टिविटी की बात कर लेता हूँ। जब आप यहाँ पे आए तो एक बहुत बेसिक है, आप यहाँ पे प्रेयर से ही शुरू करेंगे तो ते हैं बटर लैम्प, घी के दिए आप जला सकते हैं या कैंडल जला सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर व्हील स्पिन कर सकते हैं और मछलियों या पक्षियों को खाना खिला सकते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से शाम के 9 बजे तक खुला रहता है। और मैं जो प्रीफर करूंगा कि आप शाम 7 बजे के बाद आए, उस समय की एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पे होती है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ छोटी चीजें हैं। यहाँ पे एक पिलर है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि कॉइन कभी नहीं स्टिक होता है, तो आप भी वो ट्राई कर सकते हैं। इस मंदिर के अलावा मंदिर के जस्ट बगल में है जगन्नाथ मंदिर, और जगन्नाथ मंदिर प्रेमिसेस में ही राम जानकी मंदिर है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा जो तीसरा एक्सप्लोरेशन पॉइंट मैं सजेस्ट करूंगा वो है द ग्रेट बुद्ध स्टैचू। 80 फीट का जायंट स्टैचू यहाँ पे अनवील किया था 1989 में, और ये भी एक बहुत ही डिवाइन प्लेस है। इसके अलावा बहुत सारे मॉनेस्ट्रीज हैं, आपको भूटान के, म्यांमार के, जापान के, चाइना के, ताइवान के, हर जगह के मंदिर जहाँ पे बुद्धिज्म एक मेजर रिलीजन है यहाँ पे मिल जाएंगे मॉनेस्ट्रीज। जयप्रकाश नारायण पार्क है जहाँ पे बच्चे मस्ती कर सकते हैं। म्यूजियम है, 2 म्यूजियम है, एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है जहाँ पे हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट चीजें रखी हुई हैं, और एक दूसरा म्यूजियम है जहाँ पे मल्टीमीडिया के द्वारा बुद्धिज्म के बारे में और बिहार के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा बोध गया फल्गुनी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप फल्गु नदी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फल्गु नदी के बारे में ये बोला जाता है कि इन किनारे कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है जब कोई ना कोई बॉडी क्रिमिनेट ना हो। अगर कभी बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि कोई भी बॉडी ना मिले तो कोई पुतला बनाकर उसका क्रिमेंशन किया जाता है। और ये भी कहते हैं कि इस नदी में कभी बाढ़ नहीं आती, चाहे जितना भी पानी आए। उसके अलावा वाटर पार्क है, बहुत सारे वाटर पार्क हैं खाने के लिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कंट्री से लोग आते हैं तो उसके हिसाब से खाने आपको मिल जाएंगे। थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, तो आपको चाइनीज मिल सकता है, इवन जापानीज फूड मिल सकता है, भूटान का फूड मिल सकता है, हर तरह के फूड यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा आपको बिहार का स्टेपल फूड, लैंडमार्क फूड, लिट्टी चोखा मिल सकता है, यहाँ की मिठाई लौंग लता मिल सकता है, खाजा मिल सकता है जो इसी रीजन में बहुत फेमस है, तिल के बने हुए लड्डू और तिल के बने हुए कुछ बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं जो यहाँ पे फेमस हैं। और अगर हमारा सजेशन माने तो ट्रैवल स्नैपर
आपको सजेस्ट करेगा कि आपको लिट्टी चोखा एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। ऐसे आपको नॉर्थ इंडियन, चाइनीज सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको लिट्टी चोखा ट्राई करना चाहिए। ये हमारी बदकिस्मती थी कि हमने जो लिट्टी चोखा ट्राई किया उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हमें लिट्टी के साथ चोखा या चटनी नहीं मिला था और वो लिट्टी भी बहुत अच्छे से बेक नहीं हुआ था। स्टे की बात करें तो हर तरह के स्टे अवेलेबल हैं, हर रेंज के स्टे अवेलेबल हैं। केवल जब बौद्ध फेस्टिवल्स होते हैं, जब बुद्ध पूर्णिमा होता है या कोई वैसा पीस मीटिंग होता है, तब यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, तो आपको बुकिंग का थोड़ा देखना पड़ेगा। खरीदने के लिए आप बुद्धिज्म ट्रेडिशन से जुड़ी हुई चीज़ें खरीद सकते हैं। आप यहाँ की कुछ फेमस मिठाइयाँ जो तिल के बने हुए बिस्किट और लड्डू वगैरह होते हैं, वो चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ का खाजा बहुत फेमस है, आप वो खरीद सकते हैं। पार्किंग अवेलेबल है, फ्यूल अवेलेबल है, इमरजेंसी रिपेयर अवेलेबल है, आपको मेडिकल इमरजेंसी अवेलेबल है। तो ये था हमारा आज का एक्सप्लोर, जिसमें हमने एक्सप्लोर किया बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस और एक ऐसी सिटी को जिसको सिटी ऑफ एनलाइटमेंट बोला जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को यहाँ पे एनलाइटमेंट मिली थी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आखिर में मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, मेरा ये ट्रिप स्पॉन्सर किया था सतीश, सुधांशु, अमनदीप और कृष्णा ने। अ वेरी बिग थैंक टू देम। अगर आप बोधिया के बारे में और भी जानकारियां लेना चाहते